डिस्कस अबाउट द प्रोग्रेशन। सो बेसिकली प्रोग्रेशन में किस तरीके से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, किस तरीके के उसमें कॉन्सेप्ट होंगे, शॉर्ट ट्रिक्स, वो सभी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रेशन होता क्या है वो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ कंजुकेटिव टर्म्स होंगे लाइक जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस होगा, ओके, और लाइक 1, 3, 5, 7, 9 या फिर वो जीपी की फॉर्म में हो सकते हैं 3, 6, 9, 12। तो कुछ कंजुगेटिव टर्म्स होंगे, उनमें डिफरेंस होगा। तो आपको कभी उससे मान लीजिए 50 टर्म का आपको वो पूछा जाएगा कि सम बताइए, या फिर आपको पर्टिकुलर कोई टर्म पूछ ली जाएगी, तो वो हम स्टेप बाई स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं फर्स्ट, वो है बेसिक ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, बेसिक ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, बेसिक ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो देखिए इसको आप एपी लिख देंगे शॉर्ट में। तो बेसिकली आपको इसमें क्या डील करना है, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। मान लीजिए फर्स्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द nth term of an AP। ओके, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इसमें आप क्या करेंगे, tn की जो वैल्यू निकालेंगे वो आएगा आपका a + n - 1 इंटू डी। यहाँ पर जो a है वो क्या है, फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे जो d है वो क्या कर रहा है, कंजुगेट डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव टर्म्स। ओके, डिफरेंस between conjugative terms, okay, difference between conjugative terms। तो ये आपको डिफाइन करना है। दैट्स वाई इसके बाद आपको सेकंड तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि sum of n terms of an AP। तो इसमें आप क्या करेंगे, SN = सिग्मा TN, मतलब इसका सम करना है। जो भी टर्म्स है, जैसे 5 टर्म्स है तो उनका सम करना है। तो उनका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a + n - 1 = d। तो यहाँ पे a फर्स्ट टर्म को डिनोट करेगा, n है जो टोटल नंबर्स को डिनोट करेगा, d वही आपका डिफरेंस है। सेकेंडली आप इस तरीके से, अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर पता है तो आप a + tn उनका सम उनको जोड़ के और n/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को बेसिकली जो इम्पोर्टेंस फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अब हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, तो इसकी जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है कि हमें जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस में डाटा मिसिंग होते हैं। अगर हमें कुछ डाटा एज्यूम करने होते हैं, तो मान लीजिए आपको 3 नंबर्स एज्यूम अननोन नंबर्स के बीच में सीरीज़ के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। तो 3 नंबर्स आप इस तरीके से एज्यूम करेंगे एपी के लिए कि आप फर्स्ट नंबर को a - d मानिए, सेकंड को a और थर्ड को a + d मानिए, जिससे मान लीजिए आपको ऐसा बुलाया जाए कि इन तीनों नंबर्स का सम इतना आपको गिवन है। तो आप क्या करेंगे, जब सम करेंगे तो d से d कट जाएगा और आप a की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आपको इस तरीके से मानना है। अगर आपको बोला जाए कि 4th नंबर है, तो आपको 4 नंबर को किस तरीके से जूम करना है। अगर आप जब आप क्वेश्चन देखेंगे आपको ये समझ में आएगा कि ये कहाँ पे यूज होगा। ओके, 4 नंबर ऑफ एपी अगर आपको यूज करना है तो आप a - d के डिफरेंस पे आप इसको लेंगे। ओके, तो आपका क्या होगा, जब आप इनका सम करके देखिए 3d से 3d कट जाएगा, d से d, यानी कि आप a की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे जब आपको सम वाले क्वेश्चन आ देंगे। इसी तरीके से अगर 5 होते हैं, 5 नंबर्स अगर होंगे, 5 नंबर्स ऑफ एपी, तो आप क्या करेंगे, a - 2d से शुरू करेंगे, a - d, यानी जब आपको 4 नंबर 6 नंबर इस तरीके से आए तो आप 2 के डिफरेंस में इसको बढ़ाते रहिएगा, और जब 5 नंबर्स के डिफरेंस में आएगा तो आप इसको 1 के टर्म में बढ़ाते रहिएगा। ओके, a देन आपका ये आ जाएगा a + d और a + 2d। ओके, इस तरीके से ये इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज है, आप इनको यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चंस आप इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे। ओके, तो एपी में हम जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है, तो देखिए, फॉर एन एपी सम ऑफ 2 टर्म्स इज 4 एंड सम ऑफ 4 टर्म्स इज 2। then find out the sum of 6 terms of that AP. Okay, so for an AP, sum of 2 terms is 4 and sum of 4 terms is 2. Then find out sum of 6 terms of that AP. आपको ये क्वेश्चंस गिवन है, तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे. अब आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उसी से इस क्वेश्चन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे. तो देखिए, अगर आप मान लीजिए आपको ये जूम करना पड़ेगा कुछ डाटा इसमें कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, मतलब फर्स्ट टर्म को आपने बी ए मान लिया एंड जो डिफरेंस है, कंजुगेटिव डिफरेंस है, उसको आपने डी मान लिया. ओके, ये आपने डाटा को एज्यूम किया है ए एंड डी को. देन अगर आप आपको बोला गया कि सम ऑफ टू टर्म्स इज़ 4, सम ऑफ टू टर्म्स इज़ 4, तो आप क्या यूज़ करेंगे. आपने जो फॉर्मूला सीखा था n बाई 2 वाला, तो उस हिसाब से आप क्या लिखेंगे. यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी जब 2 टर्म्स है, तो 2 बाई 2 यानी 2a प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू d. ओके, देन आप इसकी सम आपको वैल्यू 4 गिवन है. ओके, फॉर एन ए पी सम ऑफ टू टर्म्स इज़ 4, तो देखिए 2 बाई 2 2a प्लस 2 माइनस 1 एन डी. क्योंकि फर्स्ट आपने a माना और d माना और 2 टर्म्स है, उसकी n की वैल्यू आपने 2 पुट कर दी. तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिला, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2a अपॉन d इक्वल टू 4. ओके, एंड इफ़ 4 बाई 2 जो सेकंड आपको गिवन है कि सम ऑफ 4 टर्म्स इज 2, अगर 4 सम का 2 गिवन है तो सेम सीरीज में अगर 4 टर्म्स का सम 2 गिवन है, इट मीन्स आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. लेकिन यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आपकी 4 आ जाएगी और a और d की वैल्यू सेम रहने वाली है और इसका आंसर आपको 2 गिवन है. जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको 4a प्लस 6d की वैल्यू आपको क्या मिली, 2. अगर आप इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी. तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलिए, इसको इक्वेशन सेकंड बोलिए. विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप इनको सोल्व करेंगे तो जो d की वैल्यू है वो आपकी 3 बाई 2 आएगी एंड a की वैल्यू है वो 11 बाई 4 आएगी. ओके, a की वैल्यू है वो 11 बाई 4 आएगी. बाई सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट d की वैल्यू है वो 3 बाई 2 आ रही है और a की वैल्यू 11 बाई 4 आ रही है. तो आपसे क्या पूछा गया है कि सम ऑफ 6 टर्म्स. अब मान लीजिए आपसे सम ऑफ 6 टर्म पूछा गया है, तो सम ऑफ 6 टर्म्स तो वो काफ़ी आसान है जब आपको एक ए और डी की वैल्यू पता है. ओके, तो देखिए 6 टर्म मतलब एन की वैल्यू 6 आ जाएगी यानी 6 बाई 2. 2a की वैल्यू आपको पता है, वो आपका आया है कितना, 3 बाई 2. ए की वैल्यू आपकी आई है 11 बाई 4, डी की वैल्यू 3 बाई 2 आई है. तो 11 बाई 4 प्लस जो n है वो 6 माइनस 1 यानी n माइनस 1 आ गया ये. देन जो आपके पास d है उसकी वैल्यू आपके पास -3 बाई 2 है, तो d की वैल्यू आपने -3 बाई 2 पुट की है. देन आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको कि ये पता चला कि सोल्व करने पे 6 बाई 2 यानी कि 11 अपॉन 2, ये आपने 5 और इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 15 बाई 2. ओके, यहाँ पे -3 बाई 2 था, वो बाई मिस्टेक हो गया, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा. तो -6 आपका आ गया आंसर. तो इट मीन्स जो सीरीज फाइंड आउट द सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ द टाइप 6 होगा. तो किस तरीके से हमने क्वेश्चन डील किया, जो हमने फॉर्मूला हमने सीखा था हमने उसी का यूज किया, 2 टाइम यूज किया. देन हमारे पास 2 इक्वेशन क्रिएट हो गई. विद द हेल्प ऑफ दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमने क्या किया, डी और ए की वैल्यू निकाली. अगर हमारे पास डी और ए की वैल्यू निकाल ली तो हमने अगेन उस फॉर्मूला को यूज किया. तो 3 टाइम ये फॉर्मूला यूज हो चुका है. ओके, सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हैं. अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, कुछ कॉन्सेप्ट और सीखते हैं एंड कुछ क्वेश्चन और करते हैं. ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ रूल्स. तो वो रूल्स क्या है जो आपकी जनरली हेल्प कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो फर्स्ट चीज़ है कि अगर मान लीजिए कोई ए पी है 2, 6, 10, 14, 18, इट मीन्स इसका जो d है वो 4 है और a है वो 2 है. अगर आप इस सीरीज़ में हर एक नंबर में पर्टिकुलर कोई नंबर ऐड करेंगे, तो जो न्यू सीरीज़ आएगी वो भी AP में होगी. लाइक दैट अगर आप 5 इफ़ वी ऐड 5 इन ईच नंबर, तो जो न्यू सीरीज आएगी वो क्या आएगी आपके पास, 5 ऐड कीजिए सब में, 7, 11, 15, 19 और 23. तो देखिए ये भी आपके पास एक ए पी है. अगर आप इसको चेक करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास 7 मिल रही है और डी की वैल्यू आपको मिल रही है 6. ओके, डी की वैल्यू मिल रही है आपको 4. ओके, सेम. तो देखिए तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर कोई पर्टिकुलर सीरीज़ है उसके हर एक नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर दिया जाए तो जो न्यू सीरीज़ होगी वो भी एपी होगी। तो आप उसमें भी वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो आपने सीखे हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई सीरीज़ है 1, 3, 5, 7 और 9, ये कुछ एपी की सीरीज़ है। अगर आप हर एक नंबर को इफ़ वी मल्टीप्लाई 2 to each number, हम मतलब हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो न्यू सीरीज़ आएगी वो आएगी 2, 6, 10। ओके, देन 7, 2, 6, 10, देन आपका 14 और 90 इज़ 18। ओके, सो जो ये सीरीज़ आई है इसका ए आपके पास 2 है और जो डी की वैल्यू है वो 4 है आपके पास। ओके, तो आप अगर हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं एपी के तो जो न्यू सीरीज़ मिलेगी आपको वो भी एपी होगी। अगर आप हर एक नंबर में कुछ पर्टिकुलर सेम नंबर ऐड करते हैं तो जो न्यू सीरीज़ होगी वो भी आपकी एपी होगी। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सीरीज़ दे और आपको न्यू सीरीज़ क्रिएट करवाए, देन उसका समेशन वगैरह पूछ लें तो आप इनको इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब हम कुछ सीखेंगे सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एपी। ओके, तो कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन क्या है एपी की वो हम समझने का ट्राई करते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ एपी। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्या है, अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ओके, आपसे पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ओके, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तो वो कितना आएगा आपका SN = सिग्मा n = n+1/2। ओके, अगर केवल सम पूछा जाए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। और अगर आपसे पूछा जाए सम, ये फॉर्मूला आपने बेसिकली छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, वो जो आए हैं वो बेसिकली एपी से ही आए हैं। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ओके, सम ऑफ द स्क्वायर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ओके, तो आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का अगर सम बताना है तो वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। SN = n n+1। ओके, देन 2n+1 / 6। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ द क्यूब्स, यानी कि जब आपसे पूछा जाए सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ओके, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका आएगा n n+1/2 का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आपसे किसी भी तरह से फॉर्मूले के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो जनरली क्या होता है कि इन आपसे ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, मान लीजिए फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का आप सम बताइए, देन आप इस फर्स्ट 50 नंबर के क्यूब का आप सम बताइए, स्क्वायर का आप सम बताइए, देन आप इन फॉर्मूले की हेल्प से उन एपी के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमने एपी पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सीखे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आपको कुछ इम्पोर्टेंस बेसिक याद रखना है और ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती क्या है वो आप जनरली जानते होंगे। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा ज्योमेट्रिक सीरीज़ में वो पर्टिकुलरली AR, AR², AR³ के फॉर्म में होगा। यहाँ पे जो ए है वो आपको फर्स्ट टर्म को डिनोट करेगा। देन जो आर है वो आपको क्या डिफरेंस करेगा, कॉमन रेशियो को। ओके, आर जो है वो आपको कॉमन रेशियो को डिनोट करेगा। तो इस तरीके से आपकी ये अप्रोच अच्छी हो गई। देन आप इसका बेसिक समझने का ट्राई कीजिए कि बेसिक ऑफ जीपी क्या है। जैसे उसमें भी बेसिक आया था तो इसमें भी बेसिक क्या है। अगर मान लीजिए फर्स्ट आपसे पूछा जाए nth टर्म है, ये टॉपिक आपको आते हैं इसलिए हम इसे फास्टली कवर करने की कोशिश करते हैं जिससे आपका जस्ट रिवाइज हो जाए। तो nth टर्म ऑफ द जीपी है वो आपकी क्या आएगी, nth टर्म ऑफ जीपी वो आपकी आएगी AR(n-1). देन अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ nth टर्म्स वो पूछा जाए तो देखिए फर्स्ट SN अगर आपसे पूछा जाए तो दो फॉर्मूले होंगे इसमें, AR(n-1) upon R-1। R इज़ कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है देन आप ये यूज़ करेंगे। और अगर मान लीजिए कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से कम होती है देन आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, व्हेन कॉमन रेशियो वैल्यू इज़ लेस देन 1। ओके ओके, सो दैट्स वाई आप इस बेसिक को याद रखिए। जैसे वहाँ पे भी हमने सम का सीखा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी सम के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। देन अगर हमें इनफाइनाइट जीपी के बारे में बताया जाए कि इनफाइनाइट जीपी में क्या होगा और देन समेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम वो समझेंगे। तो देखिए, अगर इनफाइनाइट जीपी की बात करते हैं, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसमें क्या होगा कि जो सम, अगर आपसे पूछा जाए कि nth टर्म कितनी होगी, अगर nth टर्म कितनी होगी, सीरीज विद द नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जीपी कैन कैलकुलेट। तो मान लीजिए इसमें भी दो केस होंगे। हम जनरली एक केस तो हमें पता है, वो है कि एस ऑफ इन्फिनिटी जो होगी वो क्या होगा, a 1 माइनस आर। ओके, ये कब होगा, जब आर की वैल्यू 1 से कम हो। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो जो एस इन्फिनिटी होगा उसकी वैल्यू आपकी इन्फिनिटी आएगी। ये भी हमें पता होना चाहिए। तो दोनों हमें पता होना चाहिए इनफाइनाइट जीपी के केस में भी सम की वैल्यू। ओके, देन इसके बाद अगर हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जीपी की, जैसे हमने उसमें भी देखी थी कि अगर हमें अननोन क्वेश्चंस आते हैं तो हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए जीपी की। तो देखिए, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। ओके, जैसे हमने एपी की देखी थी उस तरीके से इसमें भी होती है। तो हमें जब मान लीजिए 3 कंजुगेटिव नंबर्स एज्यूम करने हैं, अगर हमें 3 नंबर एज्यूम करने हैं, जैसे वहाँ पे हमने 3 एज्यूम किए थे, इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे भी 3 नंबर एज्यूम करने हैं तो वो आप किस तरीके से एज्यूम करेंगे, a अपॉन r, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आर मल्टीप्लाई होते हुए जाता है, वहाँ पे एड होते हुए जाता है डी, जो डी होता है कंजुगेटिव डिफरेंस। ओके, और जो रेशियो है कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई की फॉर्म में जाता है, तो आप इसको इस तरीके से जूम करेंगे। अगर आपको 4 नंबर बोला जाए तो वहाँ पे आप जैसे a-2d, a-d, a+d और a+2d, a+3d, इस तरीके से आप जूम कर रहे थे। तो यहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे, ar क्यूब, जो वहाँ पे आप a-3d जूम कर रहे थे, a-2d, उसी तरीके से आपको यहाँ पे बस यहाँ पे आपको डिविजेबल की फॉर्म में उसको यूज करना था। देखिए ar क्यूब, ar, देन आप इसको ar और ar स्क्वायर। जब आपको देखिए 4, 6 इस फॉर्म में आएगा तो आप 2 का लगभग डिफरेंस ले रहे हैं। देखिए r स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है यहाँ से यहाँ पे, यहाँ r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो केवल r बचेगा। अब इससे r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक r से एक r कट गया, एक r बचेगा। देन एक r स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ar क्यूब आएगा। ओके, तो इस तरीके से चल रहा है। और अगर आप 3, 5 की बात करेंगे तो ये केवल r के डिफरेंस पे चलेगा। तो ये इसके कुछ बेसिक्स है जो आपको पता होने चाहिए। सो देन अब आपके जियोमेट्रिक सीरीज़ के बारे में भी आपके कॉन्सेप्ट थोड़े डेवलप हो गए। तो अब हम थोड़े से हार्मोनिक सीरीज़ के ऊपर भी, एचपी और हार्मोनिक सीरीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। देन हम एक साथ इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, तो हम फर्स्टली हम क्या समझेंगे कि किस तरीके से हार्मोनिक सीरीज़ पे पर्टिकुलरली टॉपिक है वो कवर होते हैं। ओके, तो देखिए हार्मोनिक सीरीज़ का आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीज़ें कि इफ़ ऑल द टर्म्स ऑफ एन हार्मोनिक सीरीज़ आर रिवर्स देन द सीरीज़ ऑब्टेन विल बी हार्मोनिक सीरीज़। यानी कि अगर अर्थमेटिक सीरीज़ की जितनी भी नंबर्स हैं उनको हम रिवर्स कर देते हैं तो जो सीरीज़ आपको मिलेगी वो अर्थमेटिक सीरीज, वो आपको हार्मोनिक सीरीज़ मिलेगी। ओके, सो इट मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अर्थमेटिक सीरीज़ के नंबर्स को रिवर्स करने पे हमें हार्मोनिक सीरीज़ मिलती है। ओके, तो देखिए किस तरीके से ये होगा। तो हम हार्मोनिक सीरीज़ किस तरीके से अप्रोच होगी, क्या कॉन्सेप्ट होगा, वो हम समझते हैं। तो देखिए हार्मोनिक सीरीज़ अगर आपको गिवन है तो आप इसमें देखिए, हार्मोनिक सीरीज़ में आपको नंबर गिवन है, मान लीजिए 1, 3, 5, 7 और 9, इस तरीके से। ये आपके पास एपी है तो जो आपकी एचपी होगी वो किस तरीके से होगी, 1 by 1 आप इसका रिवर्स कर लेंगे, हर एक नंबर का रिवर्स कर लेंगे। तो जो आपको ये सीरीज़ मिल रही है ये आपकी क्या होगी, ये क्या होगी, आपकी हार्मोनिक सीरीज़ होगी। ओके, हार्मोनिक सीरीज़ यानी इसको आप एच हार्मोनिक सीरीज़ एचएस भी लिख सकते हैं, इसको अर्थमेटिक सीरीज़ एचएस भी लिख सकते हैं। यानी ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है हार्मोनिक में और अर्थमेटिक में। तो ओके, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ओके, अब हम पढ़ते हैं बेसिक ऑफ एचपी। जैसे हमने एपी के लिए और जीपी के लिए बेसिक पढ़ा था, इसका भी कुछ बेसिक्स है जो हमें पता होने चाहिए। तो बेसिक ऑफ एचपी हम देख रहे हैं। बेसिक ऑफ एचपी। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि द nth टर्म ऑफ हार्मोनिक सीरीज कैन बी सर्कुलेटेड ओनली बाय फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज ऑब्टेन बाय इन्वर्सिंग द हार्मोनिक सीरीज एंड देन अगेन रिवर्सिंग देम। तो अगर मान लीजिए हमें हार्मोनिक सीरीज की nthवीं टर्म पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली जो सीरीज हमें दी हुई है उसको रिवर्स करेंगे, देन वो अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगी। तो देन हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक सीरीज का हम अगर मान लीजिए जो नंबर है nthवीं टर्म है वो कैलकुलेट करेंगे, देन उसको अगर हम रिवर्स कर देंगे तो वो हार्मोनिक सीरीज की nthवीं टर्म्स होगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। ओके, तो देखिए किस तरीके से ये कहना चाह रहा है वो हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आप एग्जांपल देखिए, अगर आपको इस तरीके से बोला गया कि 1.5, 1.11, 1.17, 1.23 ऐसे कोई सीरीज चल रही है, तो आपको अगर पूछा जाए कि आप इसमें ये बताइए कि पर्टिकुलरली जो हार्मोनिक सीरीज है इसका जो 5वीं टर्म होगी वो कितनी होगी, 5 जो 5th टर्म है वो कितनी होगी। 4 टर्म आपको दी हुई है, 5th पूछी जा सकती है, 6th पूछी जा सकती है। ओके, तो आप इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पहले आप इसको हर एक नंबर को रिवर्स करके इस हार्मोनिक सीरीज को आप अर्थमेटिक सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, 5, 11, 17, 23। ओके, इस तरीके से आपका जाएगा। तो देखिए, सो nth टर्म ऑफ जो nth टर्म है आपकी एचपी की वो किस तरीके से आएगी आपकी, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू है वो 5 है और जो डी की वैल्यू है वो आपके पास 6 है। तो अगर आपसे पूछी गई 6 टर्म्स तो आप क्या करेंगे, a 5 प्लस n-1 यानी 6-1 डी, जो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो फॉर्मूला यूज़ करते थे nth टर्म के लिए हम वही यूज़ करें क्योंकि ये सीरीज अब ऑर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चली गई है और जो डी की वैल्यू है वो आपके पास 6 है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और ये आपका 30 आ जाएगा, देन आप इसको सॉल्व करेंगे 35। इट मीन्स देखिए 23 × 6, अगर आप 6 का डिफरेंस चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये टर्म 29 आएगी और इसकी जो 5वीं टर्म जो 6वीं टर्म है वो 35 आने वाली है। ओके, हमने इसको क्रॉस चेक भी कर लिया। तो इस तरीके से आपको इसका क्वेश्चन को डील करना है। ओके, तो अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि हमने सारी सीरीज़ के बारे में बेसिक पढ़ लिया है, अब हम सारी सीरीज़ के मीन देखते हैं। ओके, अर्थमेटिक मीन हम कैसे लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कैसे लेंगे और हार्मोनिक मीन कैसे लेंगे, उनको भी उस बेसिस को भी हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ओके, देन हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इन पर्टिकुलर टॉपिक पे और हम अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज और हार्मोनिक सीरीज में कुछ रिलेशन होता है उसको भी समझने का ट्राई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो है अर्थमेटिक मीन। ओके, तो अर्थमेटिक मीन कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो मान लीजिए कोई 4nth टर्म आपको दी हुई है, जैसे कि a1, a2, a3, a4। अगर इस फॉर्म में आपको nth टर्म गिवन है, जैसे a1, a2, a3, a4, इस फॉर्म में आपको nth टर्म आपको दी हुई है, देन उसका जो अर्थमेटिक मीन आएगा आपके पास, अर्थमेटिक मीन वो किस तरीके से आएगा, a1 + a2 + a3 + an डिवाइडेड बाई n। ओके, तो उसका अर्थमेटिक मीन आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, देन इसी तरीके से आप हम ज्योमेट्रिक मीन को समझते हैं। बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अर्थमेटिक मीन्स का आपने फॉर्मूला देखा, अगर हमारे पास टर्म्स a1, a2, a3, a4, an थी तो अर्थमेटिक मीन आपने निकालने के लिए क्या किया है, सारी जो नंबर्स थे उनको आपने ऐड किया है, देन उसमें आपने n से डिवाइड किया। ओके, देन सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन में भी आपको पर्टिकुलर मान लीजिए 2 नंबर्स आपको गिवन हो, देन आपको उस पर बेसिस ज्योमेट्रिक मीन अगर उन नंबर्स का आपसे पूछा जाए तो ज्योमेट्रिक मीन्स आप निकालने के लिए क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन आप निकालने के लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए आपके पास ए और बी 2 नंबर हैं जो ज्योमेट्रिक सीरीज में। ओके, ए एंड बी है जो जीएम में है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उन पर लग रहा है। इट मींस अगर आप उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका अंडररूट ए एंड बी। ये सब आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेज में। अगर मान लीजिए ये जब लगेगा जब आपको केवल 2 टर्म्स हो। ओके, ये जब है आपके लिए जब 2 टर्म्स हो। अगर मान लीजिए n टर्म्स हो, अगर n टर्म्स का आपको ज्योमेट्रिक मीन्स पूछा जाए तो जनरली हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितनी भी आपके पास टर्म है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके, मान लीजिए nth टर्म है तो 1/n कर देंगे यहाँ पे। ओके, देखिए जब 2 था तो यहाँ पे 2 टर्म्स थी तो यहाँ 1/2 किया। इट मीन्स रूट a1 a2 का रूट हो गया वो। ओके, तो सेम चीज़ आपको a इंटू बी ए इंटू बी आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन बराबर ए इंटू बी। ये सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, इसी तरीके से अगर हम हार्मोनिक मीन देखते हैं टू नंबर्स का, ओके, तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हार्मोनिक मीन। उसको आप कैसे समझेंगे, तो पर्टिकुलरली अगर आप मान लीजिए टू नंबर्स गिवन हैं और तो आपको उनका हार्मोनिक मीन पूछा जाता है, तो आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। ओके, तो द हार्मोनिक मीन ऑफ द टू टर्म्स a एंड b इज 2ab अपॉन a प्लस b, 2ab अपॉन a प्लस b। तो इस तरीके से आप हार्मोनिक मीन चेक कर सकते हैं। तो हमने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करने का सिंपल प्रोसीजर यूज किया है। अब हम देखते हैं रिलेशन, देखते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में। आप इसको नोट कर लीजिए। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन, ओके, सो आपको क्या करना है, ये जो भी कॉन्सेप्ट आपके यूज हो रहे हैं इस पे बेस जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिन पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की गई है। तो आप उन पे बेस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको गिवन मटेरियल से। ओके, तो हम अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ओके, तो जब आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन गिवन हो, तो व्हेन कंपेयर्ड फॉर टू फिक्स्ड टर्म्स द अर्थमेटिक मीन इज़ हैविंग द हाइएस्ट वैल्यू। अगर हम टू फिक्स टर्म्स की बात करते हैं, अगर हम केवल टू फिक्स टर्म्स की बात करते हैं, तो क्या होता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज़्यादा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा होता है किससे, हार्मोनिक मीन से, और इक्वल भी हो सकते हैं। ओके, देन अगर मान लीजिए, अगर हमें बोला जाए कि व्हेन टेकन फॉर टू टर्म्स ए एंड बी, अगर हम केवल टू टर्म्स की बात करें, when taken for two terms a and b, then arithmetic mean, geometric mean यानी gm एंड हार्मोनिक मीन hm, इसको आप m लिख लीजिए शॉर्ट में। ओके, तो arithmetic mean, geometric mean एंड हार्मोनिक मीन में जो रिलेशंस होगा वो क्या होगा, आप इनका रिलेशन अगर आप देखेंगे तो आपको टू पर्टिकुलर नंबर के लिए किस तरीके से मिलेगा। hm इज इक्वल टू am इज इक्वल टू gm का स्क्वायर। ओके, hm इज इक्वल टू am इंटू जी एम का स्क्वायर। आप पर्टिकुलरली चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई इसको कर सकते हैं। क्रॉस वेरीफाई अगर आप इसको करेंगे तो देखिए क्रॉस वेरीफाई में आपको क्या मिलेगा। एच एम की वैल्यू आप रखिए, वो आपको मिलेगी 2ab, टू पर्टिकुलर नंबर के लिए a प्लस बी, एंड अगर आप am निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा a प्लस बी अपॉन 2 इजक्ल टू जी एम का स्क्वायर। ओके, तो जब आप इसको कट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी। और जी एम क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट। ज्योमेट्रिक मीन जब आप निकालेंगे इसका तो वो रूट आ जाएगा। तो ये तो ज्योमेट्रिक मीन होता ही है, तो क्रॉस वेरीफाई भी आपका हो गया है। ओके, सो हमने पर्टिकुलरली काफ़ी वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट सीखे। अब हम कोशिश करते हैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन सोल्व करने की। विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बोल्ड होंगे। ओके, तो हम क्वेश्चन समझते हैं कुछ ऑन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन पे। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ़ एन एपी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10 टर्म्स इज 86 एंड 86 टर्म इज 10, देन व्हाट विल बी द 100 टर्म्स। ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो देखिए जब आपको बोला गया कि 10 टर्म्स, तो टर्म्स की पर्टिकुलर जब हमें बताया जाता है तो हम टर्म्स के लिए हमने फॉर्मूला देखा था tn इजक्ल टू a प्लस एन माइनस 1 इजक्ल टू डी। ओके, इसी का हम यूज करेंगे। अगर आपको बोला गया है कि 10 टर्म, इसका मीन t10 इजक्ल टू वो आपका कितना जाएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे t10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस a की वैल्यू आप रख देंगे तो a प्लस, और आपको टर्म कितनी बोली 10th, यानी n-1 करेंगे तो 9d, वो आपको गिवन है 86। सिमिलरली अगर आपको t86 टर्म की बात करेंगे तो वो आपका आएगा e a प्लस 85d इजक्ल टू वो आपको 10th गिवन है। ओके, तो जब आप इन दोनों को, दो इक्वेशन आपके पास क्रिएट हो चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सेकंड। ओके, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आप सोल्व करेंगे, जब इनको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको ए की वैल्यू मिलेगी। ओके, ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए 85 - 8 और देन 10 - 36। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी 95 एंड डी की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ 2 इक्वेशन, बिकॉज 2 इक्वेशन है और 2 ही अननोन है, तो आप इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो डी की वैल्यू आपको मिलेगी -1। ओके, तो इनकी हेल्प से डी की वैल्यू -1 की हेल्प से और ए की वैल्यू हेल्प से आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे T100 के लिए। तो T100 के लिए फॉर्मूला क्या हुआ, A की वैल्यू 95 है प्लस n - 1 मानी 100 की बात करें तो 100 - 1 और D की वैल्यू है वो -1 है। जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको T100 की वैल्यू मिलेगी 95 और ये आपका आ जाएगा 100 - 1 99 और -99। देन आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगी 4, इट मीन्स -4। ओके, तो -4 आपकी 100 भी टर्म्स होगी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस इजीली आप अगर आपको जो आपने रूल सीखे हैं, कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो आपको पता है और आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, हमने किया कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया है कि जो TN है टर्म्स का जो फॉर्मूला है कि पर्टिकुलर AP में जो टर्म्स निकालनी है उसमें हम A + n - 1 D करते हैं। अगर हमें T10 की बात बोला जाए कि T10 इट मीन्स A + 9D = 86 और देन T86 अगर आपको बोला जाए तो आप A + n - 1 D का जब इसमें पुट करेंगे 85D वो आपको 10 गिवन है क्वेश्चन में। देन आपने इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से A और D की वैल्यू निकाली एंड देन T100 निकालने के लिए आपको A की चाहिए, D की चाहिए और N की वैल्यू तो 100 हो ही जाएगी। देन आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको -4 मिल गया। ओके, तो होपफुली आप इस क्वेश्चन को समझ पाए। देन अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो देखिए इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, द फोर्थ टर्म्स ऑफ एंड 10 टर्म्स ऑफ एन GP आर 1/3 एंड 243 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सेकेंड टर्म। तो आपको सेकंड टर्म्स कैलकुलेट करनी है। तो देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आता है तो बेसिकली आप क्या अप्रोच यूज़ करेंगे, जिस तरीके लास्ट वाला क्वेश्चन था हमारा सेम अप्रोच इसमें यूज हो रही है, लेकिन इसमें जो डाटा आपका यूज हो रहा है वो आपका किस पे बेस है, GP और GP पे बेस है। तो आपको GP की nth टर्म वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, सो देखिए अगर आपको बोला जाता है कि पर्टिकुलर GP के लिए अगर आप टर्म्स निकालते हैं तो जो वो फॉर्मूला होगा वो AR n - 1 होगा। जैसे वहाँ पे आपका A + n - 1 D था, ब्रैकेट n - 1 D था, तो यहाँ पे आपका AR n - 1 होगा। ये आप बेसिक में सीख चुके हैं। तो अगर मान लीजिए हम थर्ड टर्म्स की बात करते हैं, अगर हम फोर्थ टर्म की बात करते हैं जो एज पर हम क्वेश्चन में डाटा गिवन है तो उसके हिसाब से अगर हम फोर्थ टर्म की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ टर्म मीन्स अगर आप सोल्व करेंगे T4 तो वो आपको किस तरीके से लिखेंगे A r³ वो आपको गिवन है 1/3। ऐसे ही आप अगर आपको टेंथ टर्म की बात करेंगे देन T10 वो आपका आ जाएगा AR 9 क्योंकि n - 1 करेंगे 10 में से 9 एंड ये 243। ओके, वापस आपके पास क्या हो रहा है कि 2 इक्वेशन क्रिएट हो रही है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ओके, तो आप जब इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड करेंगे देन आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप A और R की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो A की वैल्यू जब आप सोल्व करेंगे तो वो आपको कितनी मिलेगी और R की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो जब आप इसमें जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो R³ 6 = 3 ऊपर चला जाएगा यानी कि 729 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर आप R की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको मिलेगी 3। ओके, अगर आपके पास R की वैल्यू 3 मिल गई तो आप इसकी R की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट करके A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A की वैल्यू आप निकालेंगे तो तब आपकी वैल्यू मिलेगी 1/81। ओके, देखिए हमेशा जब 2 इक्वेशन है आप इजीली उसको सेम कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को डिवाइड कीजिए तो R6 आ जाएगा, R6 और जब 243 है ये 3 जब डिवाइड होगा तो ऊपर चला जाएगा तो 729 आ जाएगा। ओके, 729 आ गया तो इससे आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन A की वैल्यू आप वापस R की वैल्यू इन इक्वेशन में पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अगर मान लीजिए आपके पास R की वैल्यू और A की वैल्यू आ चुकी है तो अब आप कोई सी भी टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपसे यहाँ पे T2 पूछा गया कि सेकंड टर्म कौन सी होगी। तो सेकंड जब आप निकालेंगे तो 2 - 1 करेंगे। देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे आप, AR भी लिख सकते हैं तो इट मीन्स A और R ही होगी सेकेंड टर्म। A की वैल्यू 1/81 आपको गिवन है एंड जो R की वैल्यू है वो आपके पास 3 गिवन है। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको 1/27 आंसर मिला जो आपका सी ऑप्शन है। तो इस तरीके से बेसिक आपका अच्छा होगा तो आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन होपफुली आप समझ पाएँ। हमने किया जो टर्म्स है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, बाकी हमने कैलकुलेशन किए गिवन इन्फॉर्मेशन के बेस पे। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो थोड़ा हो सक और अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आप कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट को समझने की। ओके, तो देखिए A and B are two numbers whose AM is 25 and GM is 7. Which of the following may be value of A? आपको ये बताना है। तो इसमें आपको AM and GM दोनों का यूज किया गया है। ओके, तो देखिए अगर आपको बोला गया कि A and B टू नंबर्स है, उनका AM अगर वो आपको टू नंबर्स बताए नहीं गए हैं लेकिन आपको AM और GM दिया गया है, तो किसी भी चीज़ का अगर मान लीजिए टू नंबर है उनका AM अगर आपको निकाला जाता है यानी अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है, तो हमने सीखा था बेसिक में A + B/2 होता है। ओके, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 7। अगर हम पर्टिकुलरली यहाँ पे इस केस की बात करें तो जो A + B है वो आपका 14 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। देन अगर आपको टू नंबर है उसका अगर GM गिवन है, टू नंबर का GM भी गिवन है, तो टू नंबर्स का GM आपने देखा था लास्ट वाला रूल से, वो क्या होता है √AB। ओके, वो आपको गिवन है 7। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, एक्चुअली में हमें AM था वो 25 गिवन था, सो A + B जो होगा वो आपका 50 हो जाएगा। ओके, A + B जो AM था वो हमको 25 था, हमने 7 ले लिया था बाई मिस्टेक, करेक्ट इट। ओके, देन AB है वो आपका 7 आ जाएगा। ओके, देन अगर आप इसको स्क्वायर खोलेंगे, अगर आप इसको खोलते हैं तो AB की वैल्यू आप 49 रख सकते हैं। तो जब आप अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आ चुकी है, वापस दो इक्वेशन दो ही अननोन है, तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, A एंड B की। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आप A एंड B की वैल्यू निकालिए, तो A की वैल्यू आपके पास 1 आएगी एंड B की वैल्यू आपके पास आएगी 49। ओके, तो आपसे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी वैल्यू ऑफ A, तो आपसे A की वैल्यू और B की वैल्यू पूछी है कि कौन सा A की वैल्यू होगी या फिर कौन सी B की वैल्यू होगी। ओके, तो इसमें आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि अब आपको ये आपने ऐसा सोचा होगा कि जो A है उसकी वैल्यू तो 1 आ रही है लेकिन वो ऑप्शन नहीं है। ओके, A की वैल्यू तो 1 आ रही है लेकिन ऑप्शन उसका अवेलेबल नहीं है, तो जरूरी नहीं कि A की वैल्यू होना है, हो सकता है कि हमने A माना था इसमें गिवन नहीं था हमें कि A फर्स्ट वाला है या B है। इन केस जो दोनों में से जो वैल्यू आ रही है वो कोई सी भी वैल्यू A की हो सकती है, कोई सी भी, वो दोनों इंटरचेंज भी हो सकती है क्योंकि हमें ऑर्डर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तो जो B की वैल्यू 49 इट मीन्स जो C ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगर मान लीजिए 1 ऑप्शन होगा तो 1 ऑप्शन होता तो हम 1 वाला चूज करते, उस टाइम में 49 अवेलेबल नहीं होगा ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि A की वैल्यू तो 1 आई है लेकिन मेरे पूछा A की वैल्यू है और मेरे तो 1 आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। A और B आपने टू नंबर एज्यूम किए हैं, वो इंटरचेंज भी हो सकते हैं, इक्वेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि A पहले लो या B पहले लो। हो सकता है जो A की वैल्यू हमने निकाली है वो B की वैल्यू, क्योंकि हमने इन कैलकुलेशन के हिसाब से जब सॉल्व किया तो हमारी ये आई है, तो हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो A की वैल्यू 49 और B की वैल्यू 1 भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ से आपको C ऑप्शन मिलेगा। इस तरीके से हमने AM GM पे और AP पे GP पे काफ़ी क्वेश्चन करे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं HP के ऊपर। ओके, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे भी एक क्वेश्चन देखते हैं कि उस पर किस तरीके से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ओके, तो देखिए पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द 9th टर्म्स ऑफ द HP 643 आपको HP दी हुई है। तो हमने जब बेसिक सीखा था तब हमने ये सीखा था कि जब हमें HP की बात कर रहे हैं तो द गिवन सीक्वेंस अगर HP हो तो हम उसको AP में कन्वर्ट करेंगे, देन AP में वो टर्म्स निकालेंगे, देन उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें HP में टर्म मिल जाएगी। तो देखिए जो सीरीज़ है वो आपको HP में जो गिवन सीरीज़ है वो आपको इस तरीके से गिवन है 6, 4, 3 इस तरीके से। तो अगर आप इसको AP में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे यानी 1/6, 1/4, 1/3 इस तरीके से जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें अगर आप A की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको 1/6 यानी फर्स्ट टर्म है, और अगर आप D की वैल्यू निकालेंगे तो D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिफरेंस फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली का डिफरेंस, तो 1/4 माइनस 1/6 जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1/12। ओके, तो आपके पास जब ए की वैल्यू आपको पता है और डी की वैल्यू भी आपको पता है तो आप टर्म्स निकाल सकते हैं। जो आपको 9 टर्म पूछी गई है तो आप ए पी की 9 टर्म निकालिए। तो ए पी की 9 टर्म क्या होगी आपकी, ए प्लस 9 माइनस डी। ओके, 9 टर्म पूछिए तो 9 माइनस डी यानी ए प्लस 9 डी। अब ए की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए 1.6 जो आपने कैलकुलेट की थी और डी की वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए 1/12। ओके, देन आप जगह अगर आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ए और डी की वैल्यू को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एनवी टर्म्स मिलेगी, T9 मिलेगा एपी के अंदर 5/6। अगर तो ये तो 5/6 आपको किस में मिला है, एपी में मिला है। देखिए जनरली होता है क्या है कि हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन का आंसर फिल कर देते हैं, तो आपको उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। आपको ये नहीं करना, ये आपका एपी में आया है, ये एपी की जो 9वीं टर्म है ना वो आई है। तो एचपी में करने के लिए क्या करेंगे आप, रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ एपी में जो टर्म है T9। ओके, तब आपकी इसकी T9 ऑफ HP आएगा। ओके, T9 ऑफ HP रेसिप्रोकल ऑफ AP, T9 ऑफ AP ये आपको करना है, तब आपका वो आएगा। ओके, T9 ऑफ AP तब आपकी वो T9 ऑफ HP आएगी। ओके, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल करके निकाला ये, है ना, और बेसिक में हमने सीखा भी था। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 6/5 आएगा। इट मीन्स जो इसका ऑप्शन होगा वो बी होगा, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट सी भी करके आ जाते हैं जल्दीबाजी में। तो देखिए इस तरीके से हमने एचपी पे भी बेसिकली क्वेश्चन सोल्व किया है। तो लाइक दैट हमने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई किया है इन दिस चैप्टर ऑफ प्रोग्रेशन। तो इस तरीके से आप काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एंड अब हम एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मैकेनिकल के गेट में आया हुआ था डेफिनेटली, और टॉपिक हमेशा सेम है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो गेट का क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं, जिससे आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बुल्ड हो। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको गिवन है कि एक्स की वैल्यू >1, वाई की वैल्यू >1 एंड जेड की वैल्यू >1 है और आर इन जे पी, और अगर ये सब जी पी के अंदर है तो देन 1/1 प्लस log एक्स एंड 1/1 प्लस log y एंड 1/1 प्लस log z कौन सी सीरीज़ में होंगे, ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। ओके, तो जो गिवन डाटा है हम उसी को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए x, y एंड z आर इन GP। ओके, ये आपको गिवन है। ओके, देन इसके बाद तो GP में अगर गिवन है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि GP में क्या होता है जो सेकंड टर्म्स होती है वो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का ज्योमेट्रिक मीन होती है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो अब देखिए अगर आप 2 को आगे लेके लॉग लेंगे तो ये आपका जाएगा 2 लॉग वाई, क्योंकि लोग में हमें बताया कि जब स्क्वायर आता है तो उसको हम आगे ले लेते हैं। देन अगर मान लीजिए लोग एक्स जेड होता है तो जब लोग के अंदर कुछ टर्म मल्टीप्लाई होती है तो उनको इस तरीके से लिखा जाता है लोग एक्स प्लस लोग जेड, ये लोग जेड। ओके, इस तरीके से लिखा जाता है जब लोग, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि लोग ए प्लस ए बी जो होता है उसको आप लिखेंगे लोग ए प्लस लोग बी, और अगर मान लीजिए लोग ए डिवाइडेड बाई बी है तो आप इसको लिखेंगे लोग ए माइनस लोग बी। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का यूज किया है हमने यहाँ पे। ओके, तो देखिए 2 लोग वाई लोग एक्स प्लस वाई जेड यहाँ से आ गया। अब क्या करेंगे कि आप को जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसी हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए हम दोनों साइड 2 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या 1 प्लस log y बन जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 प्लस log y बनाएं, और 1 अगर हम इधर भी लेंगे तो 1 प्लस log x और 1 प्लस log z बनेगा। तो हम इसलिए हम क्या कर रहे हैं 2 ऐड कर रहे हैं दोनों साइड, तो log y 2 log y जिससे 2 कॉमन आ जाए और 1 प्लस log y बन जाए, और इधर भी 1 की फॉर्म में log x एक अलग से और 1 प्लस 1 प्लस log जेड, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं क्योंकि 1 1 2 एंड 1 1 2 कैंसिल हो जाएगा। देन हमने इसमें 2 को कॉमन ले लेंगे, जो 2 वाला पार्ट है उसको हमने कॉमन ले लिया, तो आपका क्या जाएगा ये जो डाटा आएगा अंदर वो आएगा 2 log y, और जो ये डाटा आपका सेम रहेगा 1 प्लस log x प्लस 1 प्लस log z। ओके, तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है एंड ये थर्ड टर्म है। ओके, ये फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है। जब आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 प्लस log y इजकल टू 1 प्लस log x ओके प्लस 1 प्लस log z ओके तो डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये क्या हुआ, ये तो वही फॉर्मेट बन गया है कि c इज इक्वल टू जो b है बीच वाला b है वो क्या हो गया ए प्लस बी बाई टू, यानी ये तो क्या होता है, अगर आप इसको समझेंगे ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर होता है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज होगा इस तरीके का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप इसको अगर समझ पा रहे हैं तो 1 प्लस log x/2, 1 प्लस log x/y और 1 प्लस log z, इसका ये आपको आया है। इसमें जो टर्म्स है वो क्या है, 1 प्लस log x, ओके, 1 प्लस log y एंड 1 प्लस log z, ओके। तो इससे आपका ये डाटा आया है, लोगरिथमिक x, लोगरिथमिक y, लोगरिथमिक z, ये इनके हिसाब से ये डाटा है, जिसमें एक की अगर आप एज्यूम करेंगे तो ये आपका a होगा, ये एज्यूम करेंगे तो ये b होगा और ये आपका c होगा। इसके बेस पे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप डिसाइड कर सकते हैं, ओके। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो 1/1 प्लस log x है, 1/1 प्लस log y है एंड 1/1 log z है। तो अगर इसके लिए ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो हम बेसिकली इसके लिए अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और ये उसका रेसिप्रोकल है, तो हमें ये पता है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अगर हम समझेंगे, ये आपने अगर समझ लिया होगा तो हम दूसरे पेन से मैं डिनोट करता हूँ कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये इसके ये अगर डाटा है इसका ये आ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इस अगर इन डाटा का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इट मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसका आंसर होगा, क्योंकि 1/1 प्लस log y और 1/1 log z के लिए बात हो रही है। लेकिन हमने जब इसको कैलकुलेट किया एज पर गिवन इक्वेशन तो हमें ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मिला, लेकिन पूछा हमें इसके लिए गया है और लेकिन हमें इनके लिए पता है तो ऑब्वियसली बात है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। तो इस तरीके से हमने वेराइटी ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन सोल्व किए प्रोग्रेशन में, एडवांस वर्जन के गेट के भी वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम के क्वेश्चन, इन पर जनरली क्वेश्चन आते रहते हैं। आप मेडिजी की टेस्ट सीरीज देंगे वहाँ पे भी आपको 2-3 क्वेश्चन दिखेंगे, सीबीटी देंगे वहाँ पे भी 2-3 क्वेश्चन दिखेंगे, गेट में भी उसके डिफरेंट ब्रांचेज में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन लिंक है एंड जो डाउट है उसको टेलीग्राम चैनल के थ्रू दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ आप फीडबैक देना चाहते हैं तो उसको कमेंट करिए एंड हैप्पी लर्निंग, स्टे फोकस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ब्राइट फ्यूचर।